Now, coming to the modulus of elasticity, the modulus of elasticity is of three types. ये तीन तरीके का होता है. क्यों तीन तरीके का होता है? क्योंकि स्ट्रेस तीन तरीके का होता है, स्ट्रेंथ तीन तरीके का होता है, तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशियो भी तीन तरीके का होगा. कौन कौन से वो तीन तरीके हैं? ठीक है. सो पहला कहलाता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. ठीक है. दूसरा कहलाता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. एंड तीसरा कहलाता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. ठीक है. तो व्हाट इज यंग्स मॉडुलस? तो यंग्स मॉडुलस इज longitudinal stress by longitudinal strain. Okay. Modulus of rigidity, that is shear stress upon shear strain. क्या से represent करते हैं modulus of rigidity. And then हमारे पास आता है bulk modulus B, that is volumetric stress upon volumetric strain with a minus sign here. यहाँ पे हम minus sign put कर देते हैं. So basically this becomes pressure upon delta V by V minus sign. Eta तो बहुत ही simple है. Eta क्या हो जाएगा? Eta जो हो जाएगा F upon A upon X by H हो जाएगा. ये tan theta के. Yes, sir. Got it? Yes, sir. And longitudinal stress ho jayega F upon A delta L upon L. See, ek cheez bas yahan pe point mein mention kar deta hun. The inverse of bulk modulus is called as compressibility. ठीक है. बल्क मॉडुलस का जो रिवर्स होता है वो कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं. मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बाय स्ट्रेस, मतलब पर यूनिट स्ट्रेस के लिए कितना स्ट्रेन हो रहा है, दैट टेल्स अस अबाउट द कंप्रेसिबिलिटी, कि कितना इजीली कंप्रेस किया जा सकता है. ठीक है. ठीक है.